Hey guys, welcome back to the channel. और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि माहौल दिख रहा होगा, अभी बजे है सुबह के 6। आज बहुत दिन के बाद एक प्रॉपर राइड करने वाला हूँ, और इतने सुबह भी मॉर्निंग राइड बहुत दिन हो गए किया नहीं था। तो अभी मैं घर से फिलहाल 3 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ बादामबाड़ी एरिया में, और इस राइड में मैं अकेले नहीं जाने वाला हूँ। मेरे को ज्वाइन करने वाले हैं और एक यूट्यूबर जो कि भुवनेश्वर से है। भाई थोड़ा थोड़ा ठंड आना शुरू हो चुका है, और वहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में एकदम बढ़िया सनराइज़ हो रहा है। अभी दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल, रुको दिखाता हूँ। ये देखो जी, बहुत दिन के बाद सूर्यदेव का दर्शन हुआ नेशनल हाईवे में। टाइम अभी 6:50 हो रहा है, और डिस्टेंस मेरे घर से लगभग 27.5 किलोमीटर्स। अभी भी हम भुवनेश्वर में है, और मेरे साथ जा रहे हैं आगे डोमिनर पे विश्वजीत भाई। तो हम लोग आज गंजाम जा रहे हैं, और गंजाम में एक जगह है जो ब्लैक बक्स के लिए फेमस है। तो देखो, यही प्रॉब्लम है N16 में, अभी कुछ दिनों से यही चल रहा है, खाली डाइवर्जन के ऊपर डाइवर्जन। अच्छा है कि काम चालू है, लेकिन डाइवर्जन लेते लेते स्पीड स्लो हो जाता है। अभी तक हम खोरदा में पहुंचे, डिस्टेंस अराउंड 49 किलोमीटर्स हो चुका है। लेफ्ट साइड में देखो भाई, व्यू देखो, कहर व्यू। इसीलिए विंटर्स बहुत सही रहता है, क्योंकि धूप निकला इतना जोर से, लेकिन साइड में आप देख पा रहे हो पूरा हेजी है, तो ज़्यादा धूप पता नहीं चल रहा है। अभी फ्रेश मॉनसून ख़त्म हुआ है, इसीलिए ग्रीनरी पूरा भरपूर है। और कुछ किलोमीटर के आगे चिलिका आएगा, जो कि लेफ़्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में ईस्टर्न घाट्स रहेंगे, उसके बीच में रोड जाता है। देखो भाई कितना सुंदर है, अपने यहाँ भी बहुत सही जगह है, खाली आँख खोल के प्रॉपरली देखने का है। हमारे माइंड में सेट हो गया कि हाँ, ये जगह, यही सब अच्छा है, और बाकी किधर एक्सप्लोर नहीं करते ज़्यादा, तो ज़्यादा पता नहीं चलता। हालांकि ये वाला रूट थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं बाइकर्स वगैरह। तो ये देखो भाई, गड्ढे भी है, ट्रक्स भी आ रहे हैं, वन वे है, गाड़ी उस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से जा रहे है, डाइवर्जन के ऊपर डाइवर्जन। ये एक चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी वेदर तो मस्त है राइड करने के लिए। लो जी, मैं बता ही रहा था डाइवर्जन थोड़ा कम हुआ है, फिर से शुरू लगता है। कौन डाइवर्जन? हमसे ना हो पाएगा भैये, और डाइवर्जन में चलाना बहुत मुश्किल चीज़ है ये, और ऊपर से ट्रक का नंबर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। भाई इस बात के लिए एक लाइक ठोको, ये डाइवर्जन में चला चला के दिमाग का दही हो चुका है, और ऊपर से कभी कभी ऐसे ट्रैफिक मिल रहा है, ट्रक ट्रैफिक, वो और एक दिक्कत। चलो बहुत हो गया डाइवर्जन, आगे चिलिका घाटी पे ही सीधा मिलते हैं। तो गाइस, ये घाटी सेक्शन शुरू हो चुका है, इसीलिए पीछे ट्रक बहुत स्लो से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि क्लाइंब शुरू हो चुका है। तो एक्चुअली हम जिस जगह में जा रहे हैं आज, वहाँ पीछे एक डाइवर्जन लेना है, लेकिन हम लोगों को चिलिका घाटी देखना है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा आगे आए, ताकि ऊपर से आपको नज़ारे दिखाए। तो गाइज, वो जो जगह देखा आप लोगों ने, तो वो चिलिका है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है।
और 140 किलोमीटर्स मेरे घर से आ चुके हैं और भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर्स चला चुके हैं। ये विश्वजीत भाई है जस्ट विश यूट्यूब चैनल से। तो ओडिशा से जो भी ये देख रहा है तो उसको बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और थोड़ा भूख लगा इसीलिए घर से, पता है अभी सिचुएशन क्या है, इसीलिए घर से ही लेके आए हैं खाना। तो विश्व भाई क्या खा रहे हो? प्रोटीन बार, मैंने चिकी 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 हेल्दी खाना नहीं, हेल्दी नहीं, सेव करते तो कैसा लग रहा है राइड करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने महीने हो गया? बहुत टाइम हो गया ना आपका, मतलब पिछला लॉकडाउन दिमाग खराब हो गया था पूरा। फाइनली निकलने का मौका मिला एक लॉन्ग राइड में। वैसे भी तो मैं जाता था 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आता था। प्रॉपर एक राइड आज हो रहा है जो कि डिस्टेंस अराउंड कितना होगा, 171 वे होगा। तो आज जगह भी बताया था कि ब्लैकबक जहाँ पे है वहाँ पे जा रहे हम लोग। वेटानोई करके एक जगह है जो कि बहुत कम एक्सप्लोर्ड है। विश्वाई ने ही वो जगह ढूंढ के बोला कि चलो वहीं जाते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर्ड भी नहीं है और रोड्स भी बहुत सही रहेंगे। लेकिन आज रोड ने थोड़ा धज्जिया उड़ा दिया। भुवनेश्वर से डाइवर्जन काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है ये। आई थिंक लॉकडाउन में काम स्टार्ट हुआ था, फिर ख़त्म नहीं हुआ। बट या इट्स अ वेरी बट्स फॉर चैलेंज स्टिल हियर, बट यहाँ ठीक है। हाँ यहाँ थोड़ा ठीक है, इसीलिए विश्वाई ने व्लॉग भी यहाँ से शुरू किया। वहाँ बोले क्या दिखाऊँ, खाली डाइवर्जन के ऊपर डाइवर्जन ही है। तो चलो खाते हैं ब्रेकफास्ट, थोड़ा करते हैं, फिर रोड में ही आपको मिलते हैं। तो भाई साहब लगभग एक घंटा ब्रेक लेने के बाद ब्रेकफास्ट किए विश भाई और मैंने, दोनों घर से टिफिन लाए थे। तो ये एक डाइवर्जन रहेगा खलीखोट के लिए और आस्का के लिए, वही लेना होगा। तो ये आज सैटरडे है तो इसलिए भाई साहब ये गाय लोगों का और बकरे लोगों का ट्रिप चालू है। अब लोगों को पता ही होगा, जब जब हम बाइक राइड में जाते हैं तब तब ये बकरे लोग और गाय लोग भी अपने ट्रिप में जाते हैं। ज़्यादातर रोड में मिलते हैं अपने को। ये जो रूट है ऐसा नहीं कि आपको खाली ईस्टर्न घाट से इसीलिए हिली रोड मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे टाउन आ रहा है और गांव आ रहा है तो उसके बीच से जा रहे हैं हम लोग। तो भेटनाई जो है वो एक बेसिकली विलेज है जो कि आस्का के अंदर आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्ण सारो मुरुग आवास स्थल, मतलब कृष्ण सारो मुरुग मतलब जो देखने हम जा रहे हैं ब्लैक बक। तो ऐसे ही कुछ रूट है, कंट्री साइड रूट, दोनों साइड में फील्ड्स है और फील्ड्स भी पूरा ग्रीन है। अभी हार्वेस्ट होगा, हार्वेस्ट का सीजन आ गया, बारिश का सीजन था तो इसीलिए बहुत मज़ा आ रहा है। और रोड भी बहुत सही है, नेशनल हाईवे में इतना मज़ा नहीं आया जितना ये स्टेट हाईवे में आ रहा है। तो ये जो रूट हमने लिया तो नेशनल हाईवे 16 से राइट साइड, ये वाला स्टेट हाईवे 30 है। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया है वहाँ पे हाफ एन आवर का, जो ड्रोन शॉट्स आप लोगों ने देखा तो बढ़िया जगह था। वो पत्थर का कुछ फॉर्मेशन हुआ था, आगे भी वैसा फॉर्मेशन है, ये नेचुरली फॉर्म्ड है तो बहुत सीनिक लगा, इसीलिए रुक के आपको दिखाने के लिए ड्रोन शॉट्स लिए। तो डिस्टेंस अभी 175 किलोमीटर हुआ और टाइम हो रहा है 11:45, वही स्टेट हाईवे 30 पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो और थोड़ा दूर जाने के बाद आएगा आज का डेस्टिनेशन। हालांकि यहाँ से लिखा हुआ आ चुका है दोनों साइड में कि ब्लैक बक क्रॉसिंग जोन, ड्राइव स्लो वगैरह,
तो सोचो पूरा एरिया में ही लंबा एक स्ट्रेच में ही ब्लैक बॉक्स है, जो प्रॉपर बेटन हुई है, जो प्रॉपर जगह है ब्लैक बॉक्स देखने के लिए, तो वो कटक से लगभग 200 किलोमीटर्स दूर है और भुवनेश्वर से 175-180। अभी डिस्टेंस मेरे ओडोमीटर में 199 किलोमीटर्स हो चुका है, अभी 200 हो जाएगा। टाइम अभी 12:20 हो चुका है, पहुंच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली और आधे घंटे के अंदर। और विश भाई का कोई पहचान है तो वो हमको लेके दिखाएंगे वो स्पॉट जिधर ब्लैक बक वगैरह दिखेंगे। विश भाई, हाउ इज द हीट? ओह हाय सर, बहुत गर्म। विंटर सोच के निकले थे पर भाई गर्मी पूरा हालत खराब कर दिया है, तो इसीलिए एक एक बोतल थम्स अप गटक रहे। तो भाई लोग पानी पीने के बाद और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बहुत सही लगा। विंटर्स हालांकि आ रहा है लेकिन गर्मी भाई गजब है, और राइडिंग गियर पहनने के बाद तो पूछो ही मत। जगह जगह पे आपको बोर्ड देखने के लिए मिलेगा कि ब्लैक बॉक्स यहाँ पे चलते ये करता है, लेकिन आपको इसी इंटीरियर में आना पड़ेगा उनका प्रॉपर जो जगह है जहाँ पे वो अच्छे से दिखेंगे। अरे भाई साहब पहुँच गए फाइनली, ब्लैक बॉक्स हमको दिखे और कहाँ पूरे पास में ही है यहाँ पे। फाइनली आके पहुंच गए वहाँ पे, दूर पे बहुत सारे मेरे को देखने के लिए मिले हैं, मेल और फीमेल दोनों है। यहाँ पे आप देख पा रहे मेन जो ब्लैक बक है, मेल देखो कैसे भाग रहा है। तो वर्ल्ड में यही एक जगह है वेटोनोई जिधर आपको ऐसे खुले में देखने के लिए मिलेंगे। भाई लोग आए हैं, एक एनजीओ है ब्लैक बग कंजर्वेशन सोसाइटी, उससे है वो लोग भाई लोग। तो मेल रहता है उसका ही सिंग रहता है और फीमेल लोगों का नहीं रहता, और मेल यूजुअली ब्लैक होता है कलर में, तो जितना विंटर्स ख़त्म होता जाता है तो उसका कलर उतना ब्राउन होता जाता है, मतलब कि वाटर जितना कम होता जाता है तो उनका कलर फेड करता जाता है ब्लैक से। मेरे को वॉच टावर भी दिखा वहाँ पे आगे राइट साइड में, तो वो वाला जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वही वॉच टावर है। तो भाई साहब चेंज ऑफ प्लान यही है वॉच टावर, यहाँ पे कुछ चल रहा है फीस्ट वगैरह, तुमको और एक जगह पे लेके जा रहे हैं, कुछ हिल टॉप है मंदिर वगैरह, अच्छा व्यू मिलेगा वहाँ से और वहाँ पे ही खाना खाएंगे। अच्छा है जगह, इसको सही से अगर डेवलप किया जाएगा तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा इस जगह के लिए। तो कोई नहीं भाई, अनएक्सप्लोर जगह है उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, तो ब्लैक बक्स ऐसे नेचुरली यहाँ पे विलेज वगैरह में भी जाते हैं, इसीलिए तो उड़ीसा को बोला जाता है इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। अरे भाई साहब यहाँ तो फीस्ट मिस चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं। कोंकणा देवी, तो घर से लाया हुआ खाना पूरा खा गए और इतना ज्यादा लाए थे कि खा नहीं पाए। वहां पे दूर पे एक है एक स्ट्रक्चर ऐसे आर्म जैसा जो कि मंदिर है, मंदिर का नाम कोंकणा देवी। तो यहाँ पे बुल्लू भाई है जो यहाँ के एनजीओ के लोकल है, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को बता रहे थे कि एक साथ 20-30 ये जो ब्लैक बक है घूमते क्यों नहीं है, तो फिर से ज़रा बताएंगे।
तो एक साथ घूमने के बाद दो मेल आ जाने के बाद वो दोनों फाइटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, इसलिए एक जगह पे दो मेल नहीं रहता है। तो एक ग्रुप में 5-6 रहते हैं टोटल, तो एक मेल और उनके साथ फीमेल, 4-5 फीमेल रहते हैं। तो अगर आमने सामने हो गए तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट और हर्ड डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। उनका वही रहता है ना कि ये उसका गर्लफ्रेंड ले लेगा, ये उसका, वो भी लफड़ा रहता है, बहुत लफड़ा है इनके लिए। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन ओडिशा का, प्राइड ऑफ गंजाम भी बोलते हैं इसको। तो कोशिश किए जितना हो सके दिखाने के लिए, और ऊपर से ड्रोन शॉट भी दिखाए, ब्लैक बक का दिखाए। वहाँ पे मंदिर है, अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत भीड़ जमा हुआ था, वो पिकनिक वगैरह चल रहा था। तो अभी 4:30 हो चुका है, तो वापस जाते हैं क्योंकि 200 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। और विश भाई बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, दोबारा आना चाहिए या नहीं कैंपिंग वगैरह के लिए? और बिल्कुल, हमने यहाँ पे भैया से बात कर लिया है, तो भैया अग्रीड कि आप आ सकते हो यहाँ पे, कैंपिंग वगैरह कर सकते हो, विद ड्यू परमिशन लेना पड़ेगा, डोंट कोट अस ऑन दिस। एंड यस, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। एंड एज यूजुअल, एज वी ऑलवेज से कम टू ओडिशा, वी आर इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स। बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो।